सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सभी पत्रकार भाइयों को और यहाँ पे उपस्थित जो भी सारे सज्जन भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यशस्वी फिल्म्स क्रिएशन की ये पहली फिल्म है जिसका नाम आपने देखा है, पोस्टर षड्यंत्र लिखा हुआ है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सशक्त है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आम जनता को बहुत ही पसंद आएगी। और इसमें हमारे फिल्म के मुख्य कलाकार जो हमारे हीरो हैं भाई रितेश जी हैं और संजय भाई का भी एक अहम किरदार है इसमें। इस फिल्म की पूरी बागडोर, पूरे निर्देशन का काम हमारे छोटे भाई HS पवन जी कह रहे हैं, हिमांशु शेखर पवन जी कर रहे हैं। और इनकी पिछले दो फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त हिट गई हैं और इसलिए हम लोगों ने इनको अपनी फिल्म में एक कैप्टन की भूमिका दी है और मुझे लगता है कि ये अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे और इस फिल्म को भी ज़बरदस्त हिट के रूप में जनता के सामने लाएंगे। भोजपुरी सिनेमा का हम क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, भोजपुरी फिल्म जो है या भोजपुरी कल्चर जो है हमारी देश की मिट्टी का हिस्सा है और यूपी बिहार में बड़ी तादाद में भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी महसूस की जाती है। इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हम लोग नहीं ले आ पाए थे, लेकिन अभी हम लोगों की योजना है और तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, भाई लोग हैं जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भोजपुरी बोलचाल की भाषा में भी और लिखने पढ़ने की भाषा में भी बहुत ही आगे अपना नाम करेगी और लोग भोजपुरी से जुड़, मतलब जो मिठास है भोजपुरी में वो और भाषाओं में नहीं आती है। इसलिए भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह की फिल्में और बनाएं, भोजपुरी सीरियल्स बनाएं, भोजपुरी फिल्म महोत्सव कराएं। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म में महोत्सव होता है, तो अपनी योजना है कि हम लोग बनारस में, काशी में आगामी आने वाले सालों में भोजपुरी फिल्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कराएं जिसमें तमाम आर्टिस्ट यहाँ के जो भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए हैं आएँ और उनको भी हम लोग विश्व के पटल पे उनका हम लोग नाम करवा सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? खड़यंत्र रचा जा रहा है या खड़यंत्र का तोड़ करेंगे? संजय पांडे जी हमेशा खड़यंत्र करने जाने जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जहाँ पे अभी हम लोग इस फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तो यहाँ पे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसी दिन, इस पावन दिन को हम लोग अपने फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और बड़े भैया संजय गुप्ता जी ने जो बोला, हमारे जो निर्माता हैं, कि एक अच्छे फिल्म, एक जो सामाजिक मुद्दा है, अब जो भी हम फिल्म बनाए हैं HS पवन जी हमारे डायरेक्टर साहब, अभी प्रजातंत्र हम लोगों की रिलीज हुई थी, एक सामाजिक मुद्दे को लेके हुई थी, उसके पहले इन्होंने राजा राजकुमार बनाया, तो दोनों फिल्मों को बखूबी निभाया है। और जिस प्रकार से संजय भैया ने इनके ऊपर जो विश्वास जताया है कि षड्यंत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग, सबसे पहली बात आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म प्योर भोजपुरी नहीं है, इसको हिंदी और भोजपुरी को मिक्सअप टाइप का हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि जो हिंदी हम लोगों की उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है, काजी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का हिंदी जो हम लोग का लैंग्वेज है, जिसका अगर हम लोग जो सोचे हैं वो कर पाए तो इस फिल्म खड़यंत्र का पैन इंडिया मार्केट होगा। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी को समझने वाले लोग हैं, हमारी इस भोजपुरी, हिंदी भोजपुरी फिल्म को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और बस आप लोग की गुड विशेष चाहिए कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बना। देखना स्कूटी जो जा रहे हैं कैमरे साथ में, स्कूटी नहीं सर, स्कूटर है। जी जी जी, जिस प्रकार से उस पर प्रेस लिखा भी हुआ है, हम लोग रोजगार छीनने वाला है। आपका एक भाई बढ़ने वाला है, आप लोगों के साथ छीनने वाला नहीं है। तो जर्नलिस्ट की भूमिका है और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो ये मीडिया है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इस समाज के सुधारने में, उसको एक सही दिशा में लाने में, सही पथ पे लाने में मीडिया का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत अहम रोल होता है, तो उसको भी हम लोग इस फिल्म में दिखाएंगे। केंद्र ने विपक्ष वालों ने सामने मीडिया के बैंड बजा कर रखी है, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए हैं,
उस पर आपको कुछ कहना चाहेंगे एज ए जर्नलिस्ट अगर बनेंगे तो? कैसे नियम कानून? बहुत सारे नियम कानून है, बगैर जानकारी के आप लोग किसी के बारे में कोई जैसे चुनाव आ रहा है तो उस बारे में नहीं छाप सकते हैं, कोई भी किसी बारे में क्वेश्चन करता था। मैं देखिए, मीडिया तो स्वतंत्र है, हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, मीडिया हो गया, ये सब स्वतंत्र है और इन पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। भाई मीडिया को प्रशंसा का प्रशंसा करती है मीडिया, तो मीडिया को आलोचना का भी अधिकार है, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि मीडिया पे कोई प्रतिबंध लगाना उचित है या लगेगा। कौन जी बताइए कि किसके खिलाफ प्रजातंत्र के बाद खड़ियंत्र, क्या उसका सिक्वल है या कुछ अलग आपके साथ षड्यंत्र हो गया जो आप वो भी डालना चाह रहे हैं? सबसे पहले गणेश चतुर्थी के तमाम भाइयों को नमस्कार, जो भी ये मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं या जान रहे हैं। रही बात इसके, पहले मैंने प्रजातंत्र फिल्म बनाई थी, वो भी कॉन्टेंटल फिल्म थी। हम कंडीशन को लेके फिल्म नहीं बनाते कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है या कमर्शियल पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते, हम समाज की कुरीतियों को लेके दिखाते हैं जो हमारे यूपी बिहार या पूरे इंडिया में जिस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करते, उसको मेरा है कि मैं करूं, उसको दिखाऊं। ये फिल्म एक प्रेस रिपोर्टर की ही है, पत्रकारिता इसमें का अहम हिस्सा है। और ये फिल्म के मुख्य किरदार रितेश बाबू एज ए प्रेस रिपोर्टर ही हैं, और वो कुरीतियों को इससे कैसे निकाल के बाहर दिखाते हैं, इनको कितनी यतनाएं और कितना ये सब कुछ सहन करके और ये समाज से लड़ के, प्रशासन से, भ्रष्ट तंत्र से लड़ के, उजागर करके और मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, ये किरदार इनका रितेश पांडे जी का है। षड्यंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हीरो